मेरे तो केवल प्रभु ही हैं, उन्हीं के आश्रय मैं जीवित हूं, वही मेरा जीवन है। मुझे तो उसी प्रभु का सहारा है। यदि पिता ने घर से निकाल दिया तो क्या हुआ? जगत पिता तो मुझे अपने घर से नहीं निकालेंगे। जिसने जीवन दिया है वही इसकी रक्षा भी करेगा। अरे कोई मुझ भिखारी पर दया कर लो भाई, आज 3 दिन से मैंने रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं खाया है। बिना भोजन किए मेरा शरीर कैसे कुमला गया है। हे भगवान, ये तेरी कैसी दुनिया है, जिसकी चौखट पर जाता हूँ वही दुत्कार देता है, खाने को कोई नहीं देता। भाइयों, कुछ तो रहम करो मुझ गरीब पर, मैं कई दिन का भूखा हूँ, भगवान की दया से मुझे कुछ खाने पीने को दे दो। क्यों भाई, यहाँ खाने को कुछ रख गया था? अरे तुझे शर्मानी चाहिए, इतना हट्टा कट्टा होकर भीख मांगता है? कुछ कर्म कर, कर्म कर्म करेगा तो फल अवश्य मिलेगा। भाई, काम तो तब करूंगा जब मेरी हिम्मत होगी, बिना खाए इतना कमजोर हो चुका हूँ कि अब तो चला भी नहीं जाता। अरे कोई तो मुझ दीन दुखी पर रहम करो, राम के नाम पर भोजन दे दो। जा जा, कहीं और जाकर मांगना, यहाँ किसी के घर मुफ्त का माल नहीं है, सब मेहनत की कमाई खाते हैं, मेहनत की। अरे राम, अरे राम। नारायण हरि, नारायण हरि। हे राम, इस नगरी में कोई भी हरि का भक्त नहीं है जो इस भूखी आत्मा को भोजन कराकर शांत कर दे। हे राम, अब तो भूख के मारे प्राण निकल ही जाएंगे, कोई राम का भक्त हो तो मुझ मरते हुए साधु को बचा ले। महाराज, आप परेशान ना हो, आओ मेरे साथ चलो, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। चलो मेरे साथ, मैं आपको भोजन करवाऊंगा, आप बेफिक्र होकर चलो। हाँ, आओ मेरा सहारा लेकर उठो, चलो। तुम्हारा लाडला आजकल कोई धंधा नहीं करता, बस सारा दिन साधु संतों के पाखंड में फंसा रहता है। वो ऐसी ही हरकत करता रहा ना तो अपनी सारी खून पसीने की गाढ़ी कमाई इन साधुओं पर ही लुटाएगा। हाँ स्वामी, आप ठीक कह रहे हो, मैंने भी इसे बहुत समझा लिया, डरा धमका लिया, लेकिन इसकी समझ में तो कुछ आता ही नहीं। तेरे से ज्यादा तो मैंने धमका लिया, लड़का है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता। हे भगवान,
ऐसी औलाद देने से तो अच्छा बिना औलाद के ही रह जाता है। वो देखो सामने, वो ही साधुओं को कुछ देता नजर आ रहा है। हाँ है तो वही। ये क्या, आज तो तन पर भी कोई वस्त्र नहीं दिखता है, सिर्फ धोती पहने हैं। बाकी वस्त्र कहाँ धराया? दे आया होगा किसी बाबा ने। आने दे आज इसे घर में, आज तो इसको सही रास्ते पर लाकर ही छोड़ूंगा। ये रोज रोज की परेशानी मेरे बस की नहीं, कहने सुनने का तो इस पर असर होता ही नहीं। तुम ही समझा लो अपने लाल को, मैं तो अंदर जाकर अपना काम करती हूँ। नारायण हरि पिताजी, पुत्र का प्रणाम स्वीकार हो। तेरा प्रणाम तो तब स्वीकार करूंगा, पहले ये बता तेरा कुर्ता टोपी और जूती कहाँ है? पिताजी आप गुस्सा ना करें तो बताऊं। तुझे मेरे गुस्से की परवाह ही कहाँ है, जल्दी बता। पिताजी वो तो मैंने बेच डाले। किस लिए? आखिर ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी तुझ पर? पिताजी एक साधु भूख से तड़प रहा था, भूख के मारे चल भी नहीं पा रहा था। वो चलते चलते गिर गया, मैंने उसे संभाला, सहारा दिया और खाना खिलाया। इसके लिए मुझे अपने वस्त्र बेचने पड़े। पिताजी जब मैं किसी साधु संत की पूजा करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे प्रभु की सच्ची भक्ति कर रहा हूँ। भाड़ में जाए ऐसी सच्ची भक्ति? अपना हुलिया तो देखो, ना पैरों में जूती ना सिर पर टोपी, आया सच्ची भक्ति वाला। बाहरी शरीर पर वस्त्र नहीं तो क्या हुआ पिताजी, मेरी आत्मा तो शुद्ध है। अरे ओ आत्मज्ञानी, आज से फालतू की ज्ञान की बातें छोड़ और मैं जो कहता हूँ वो ध्यान से सुन। कहो पिताजी मेरे लिए क्या आज्ञा है? देख बेटा, आज से इतनी साधु सेवा करनी छोड़ दे और इन पर धन उठाने की कोई जरूरत भी नहीं। बेटा धन को जोड़ना इतना आसान नहीं है जैसे तू लुटा देता है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब जाकर कुछ पूंजी जमा होती है। बेटा आज यदि तू मेरा बेटा है तो मुझे वचन दे कि आज से तू साधु संतों पर धन नहीं लुटाएगा। बेटा आज यदि तू वचन दे देगा तो तेरे बूढ़े पिता की आत्मा शांत हो जाएगी। पिताजी मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपको ऐसा वचन नहीं दे सकता। मैं तो समय को मार सकता हूँ लेकिन जीते जी संतों की सेवा करनी नहीं छोड़ूंगा। पिताजी 68 तीर्थ और 8 धाम ये सभी संतों के कहे हैं, इनके दर्शन से काम क्रोध लोभ आदि सब भावनाएं नष्ट हो जाती हैं। इसलिए पिताजी मैं आपकी ये आज्ञा नहीं मान सकता। अच्छा तो तू साधु सेवा करनी नहीं छोड़ेगा, अपने बाप को छोड़ना मंजूर है? कभी नहीं पिताजी। इस विषय में बेशक आप कितना भी गुस्सा करें किंतु भगवान के प्रति मेरी भावना कभी नहीं बदलेगी। बाकी आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। अच्छा ये बात है, बेटा फिर सोच ले। हाँ सोच लिया पिताजी। देख ले बेटा, फिर से सोच ले, बाद में तुझे पछताना ना पड़े। मुझे ना कहना, तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। पिताजी
ये सारा संसार तो माया जाल है। इसके माया जाल में जो फंस गया वो धन रूपी माया में ऐसे ही उलझ कर रह जाता है। ये ऐसे रंग की तरह है जो जिस पर चढ़ गया फिर उतरने का नाम नहीं लेता। अच्छा, तो ये है तेरे विचार? हाँ पिताजी, जिसके दिल में गोपाल रहता है उसका ऐसा ही ख्याल रहता है। फिर तो न्यू कर बेटा, तू अपना बोरे बिस्तर बांध कर घर से निकल जा और साथ में अपनी घरवाली को भी ले जा। मैं अब तेरी सूरत जीते जी नहीं देखना चाहता और अपने घर में से तुझे एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। रविदास नाम की माला तू न्यारा हो कर टिले। रविदास नाम की Thank you.
तेरी गैल बहुने के घर के मुंद जाताड़ा तू न्यारा हो के रटिले रे तेरे घर के भक्ता कारा मेरो खाड़ा तू न्यारा हो करटिले हो भक्ता का मेरो खाड़ा तू न्यारा हो करटिले हो तू न्यारा हो करटिले रविदास नाम की महाड़ा तू न्यारा हो करटिले रविदास नाम की जो आ गया पिताजी, अगर आपकी यही इच्छा है तो ऐसा ही सही। मेरे तो केवल प्रभु ही हैं, उन्हीं के आश्रय मैं जीवित हूं, वही मेरा जीवन है। मुझे तो उसी प्रभु का सहारा है। यदि पिता ने घर से निकाल दिया तो क्या हुआ? जगत पिता तो मुझे अपने घर से नहीं निकालेंगे। जिसने जीवन दिया है वही इसकी रक्षा भी करेगा। इस प्रकार रविदास के पिता रविदास को अलग कर देते हैं। रविदास जी लकड़ियां काट कर ले आए और सरकंडा और कोने लगाकर शाही रास्ते पर कुटिया बना ली। उनकी पत्नी बड़ी हिम्मत वाली थी, उसने बड़ी सफाई के साथ सिरकियां बनाकर माटी से लेप कर बहुत सुंदर कुटिया तैयार कर ली। एक तरफ थड़ा बनाकर रविदास जी के लिए काम करने की जगह बना दी और दूसरी तरफ थड़ा बना दिया जहां आने जाने वाले बैठ जाते। वह आने जाने वाले ग्राहकों के जूते बनाकर अलग ही गुजारा करने लगे। आगे देखिए क्या हुआ। हे प्रभु, हे जगत के स्वामी, तुम्हारे ही प्रताप से संसार का व्यवहार चलता है। जो आपके चरणों में ध्यान लगा लेता है वह मोह माया के जाल से मोक्ष पा लेता है। हाँ स्वामी, आप सही कह रहे हैं। जिसके हृदय में हर समय भगवान है वह आत्मा संसार में महान है। वास्तव में प्राणेश्वरी, भगवान की अपरंपार माया का जोर तो ज्ञानी ध्यानी भी नहीं जान पाई। हाँ नाथ। रविदास, क्या मेरी जूती तैयार हैं? नहीं महाराज, शाम तक तैयार कर दूंगा, शाम को ले जाना। अभी और क्या बाकी है? मैं शाम को सारी तैयारी कर दूंगा, पूछकर क्या करोगे? अच्छा, कोई बात नहीं, शाम को ही ले जाऊंगा। भाई रविदास, सुना है तुम अच्छे जूते बनाते हो,
मैं तो यही सुनकर तुम्हारे पास आया हूँ। अच्छा नाम तो भगवान का ही है, मैं तो भाई कोशिश करूंगा, भगवान चाहेगा तो जूता अच्छा ही बन जाएगा। फिर तो भाई मेरी भी बढ़िया सी जूती बना देना। परंतु आपको ये कब चाहिएगा? परसों शाम तक दे दो। ठीक है, परसों शाम को ले जाना। भाई दाम तो बता दो। जब जूता आपको पसंद आ जाए तो दाम भी उसी हिसाब से दे देना, जैसी आपकी मर्जी हो। भाई मैं तो केवल आधा आना दे सकता हूं। मैंने भी तो आपको कहा है, जो देना हो सो दे देना। भाई क्यों मजाक करते हो, भला आज के दिन आधे आने में जूती कौन बनाएगा? महाराज न मैंने आज तक मोल बताया है न बताऊंगा। ग्राहक जो अपनी खुशी से और श्रद्धा से जितने देगा उतने ही खुशी से ले लूंगा। अच्छा भाई ये बात है तो एक रुपया ले लो पहले और बाकी दाम जूता ले जाऊंगा और दे जाऊंगा। हे प्रभु, मुझे किसी ऐसे गुरु से मिला दे जिसकी शरण में जाकर मैं ऐसा अनंत ज्ञान पाऊं और घोर अंधकार रूपी सांसारिक प्रलोभनों से मुक्ति पा जाऊं तथा सदैव के आवागमन रूपी माया जाल से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ये क्या गंगा किनारे पर किसी का आश्रम दिखाई देता है? हाँ यहां चलकर देखता हूं, शायद मेरी समस्या का समाधान मिल जाए। ये गंगा का किनारा और फूलों की भीनी भीनी सुगंध, ऐसे लगता है कि मानो स्वर्ग का पहला दरवाजा आ गया हो। लेकिन मेरा ऐसा भाग्य कहां जो ऐसे आनंद की प्राप्ति हो। मेरा मन इतनी जगह भटका है लेकिन कहीं भी शांति नहीं मिली, क्या यहां मिल जाएगी? मन ना जाने क्यों उदास उदास रहता है, क्या करूं, कहां जाऊं? आज तो कुछ ऐसी लगती है जैसे शांति यहीं मिलेगी, लेकिन निराशा भी मिल सकती है। चलो जो होगा देखा जाएगा, अंदर चलता हूं। महाराज दास का प्रणाम स्वीकार करो। अरे तुम कौन हो और क्यों आए हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता गुरुजी ध्यान मगन बैठे हैं? महाराज मेरा नाम रविदास है। तुम क्या काम करते हो, कहाँ के रहने वाले हो? मैं जूते बनाने का काम करता हूँ और काशीपुरी का रहने वाला हूँ।
तुम्हारा यहाँ आने का कारण? गुरु दीक्षा पाने की इच्छा है, इसीलिए आया हूँ। अरे खूब, ये मुंह और मसूर की दाल। क्या मतलब महाराज? भक्त भक्त, कहीं सुधर भी दीक्षा पाते हैं? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? शूद्र भी तो भगवान के बनाए हुए हैं। बनाए हैं, परंतु सब उच्चरण वालों की सेवा ही करने संसार में आए हैं। ये नहीं कि गुरु दीक्षा पाकर संसार को उपदेश सुनाए। परंतु जाति पाति का भेद भरा व्यवहार तो मानव संसार की माया है। ये भेद कोई ईश्वर ने तो नहीं रचाया है। कुछ भी हो, परंतु तुम्हारे दीक्षा ग्रहण करने को यहाँ स्थान नहीं। परंतु गुरुजी को तो जाति पाति का अभिमान नहीं, क्योंकि उन्होंने तो जाति पाति तोड़कर दीक्षा देने का प्रण ठाना है। क्यों गुरु भाई, क्या वास्तव में गुरुजी ने यह प्रण ठाना है? हाँ भाई, उन्होंने मानव के नाते सबको एक जाना है। ठीक है, यदि ये बात है तो समाधि से उठने पर अपनी विनय सुनाना। आलोक निरंजन। आदेश गुरुजी। गुरुजी, आपसे एक काशीपुरी का रहने वाला चर्मकार मिलना चाहता है और अपना नाम रविदास बताता है। हाँ भाई, आगे आओ, क्या कहना चाहते हो? महाराज, मैं आपको अपना गुरु बनाकर आपसे गुरु दीक्षा पाना चाहता हूँ। जा रविदास, वापस घर चला जा। तू अभी नादान है, संसार के आनंद उठा। क्यों अपने शरीर को भक्ति कर कष्ट देना चाहते हो? प्रभु की भक्ति कठिन है। महाराज, मनुष्य संसार में नाशवान वस्तुओं को पाने के लिए अपनी जान गवा देते हैं, तो क्या मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने प्राणों को बलिहारी नहीं कर सकता? जिस भगवान ने मुझे ये शरीर सौंपा है, मैं उसी के कदमों में इस तन को वारना चाहता हूं। मुझे भक्ति के लिए गुरुदेव आपका मार्गदर्शन चाहिए। रविदास, भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है। मेरा कहा मानो और वापिस घर लौट जाओ। गुरुजी, मैं बहुत ही श्रद्धा भाव से आपके चरणों में आया हूं, मुझे वापिस मत लौटाओ। मैं भक्ति करना चाहता हूं। रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, गुरुजी मुझ पर कृपा करो और अपना शिष्य बना लो। हो कर दया गुरु महाराज, रविदास हो लिया तेरा। हो कर दया गुरु महाराज, रविदास हो लिया तेरा। हो कर दया गुरु महाराज, रविदास हो लिया तेरा। रविदास हो लिया तेरा, रविदास हो तेरा। रविदास हो लिया तेरा, रविदास हो लिया।
रखी लाज हमारी, मेरे मोहन कृष्ण मुरारी। तन रखी लाज हमारी, मेरे मोहन कृष्ण मुरारी। ओ थारी दया देख ली आज, रविदास हो लिया तेरा। ओ थारी दया देख ली आज, जिसकी ईश्वर भक्ति में इतनी लगन हो उसको निराश करना ठीक नहीं। अच्छा रविदास, तुम्हारी यही इच्छा है तो ओम नमो कृष्णाय का जाप कदापि दिल से मत भुलाना। केवल इस जाप को याद करके ही जीवन रूपी नौका में बैठकर भवसागर से पार हो जाओगे, क्योंकि कृष्णा नाम ही सार है, सब नामों में सार, ये ही नाम ले जाएगा भवसागर से पार। जो आज्ञा गुरुदेव। एक बात और याद रखना रविदास, दिल में हमेशा शील और संतोष रखना, साधुओं की सेवा बिना स्वार्थ के करते रहना। बहुत अच्छा गुरुजी, आपका निर्मल उपदेश सुनकर मैं इस प्रकार धन्य हो गया हूं, जैसे अंधेरे के पश्चात सूर्य का आगमन होता है, वैसे ही
मुझे भी ज्ञान की राह मिल गई है। इसकी प्रभु के प्रति भक्ति देखकर मैं धन्य हो गया, लेकिन गरीबी ने भी इसको मजबूती से जकड़ रखा है। हजार कष्ट पाकर भी भक्ति मार्ग पकड़ रखा है। ऐसे गरीब भक्त की सहायता करने को तो स्वयं जी चाहता है। मैं इसको अपनी पारस पत्री दे देता हूं, वही इसके सारे संकट हर लेगी। कहो भक्त रविदास, कैसे हो? कुशल तो हो? महाराज, आपकी दया और भगवान की कृपा से कुशल हूं। आइए महाराज, विराजिए। बच्चा, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। मैं तुम्हारी प्रभु के प्रति भक्ति को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन तुम्हारी गरीबी को देखकर मन बहुत दुखी हुआ। महाराज, इस गरीबी में भी मैं आनंद से रहता हूं। भगवान की भक्ति में मुझे अपनी ये हालत भी अच्छी लगती है। यह तो ठीक है, परंतु तुम्हारे पास तो रहने के लिए मकान भी नहीं है। महाराज, मुझे तो यह टूटा हुआ झोपड़ा भी महल से बढ़कर लगता है, और इन मिट्टी के डलों में मखमली गद्दों का आनंद आता है, और रूखे सूखे खाने में 32 प्रकार के व्यंजनों का स्वाद पाता हूं। बच्चा, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? क्या मैं नहीं जानता कि धन की लालसा हर किसी को होती है? ये ले, तेरा दुख में और कष्ट में जीवन एकदम सुख में हो जाएगा। बेटा, ये पारस पत्थरी है, लोहे से लगते ही स्वर्ण बन जाएगा। महाराज, मुझे लोभ ना दिखाइए, यह माया तो महा ठगनी है। मुझे इसके माया जाल में क्यों फंसाना चाहते हो? समझा, ये बेचारा पारस पत्थरी के महत्व को नहीं जानता, तभी तो मेरा कहना नहीं माना। इसकी जगह कोई और होता तो पाकर बहुत खुश होता, लेकिन लगता है इसके हृदय में तो भगवान के प्रेम की लहर है, जिसने इसको माया के लोभ से दूर कर दिया है। अथवा भक्त रविदास को मेरे कहने पर विश्वास नहीं होता? रविदास, ये देख, मैं तेरा भ्रम मिटाता हूं। महाराज, ये क्या किया? मेरे काम के औजार का नाश कर दिया। अब मैं इससे कैसे काम चलाऊंगा? मैं तो इसे अब हाथ तक नहीं लगाऊंगा। क्यों बच्चा, क्या तुम इसे अपवित्र मानते हो? ये तो सोना है, और क्या सोना अपवित्र होता है जो तुम हाथ नहीं लगाओगे? कुछ भी हो महाराज, मेरे लिए तो ये बेकार है। नहीं बच्चा नहीं, ये तो तेरे बहुत काम आएगा। अच्छा महाराज, ठीक है, यदि आपका यही विचार है तो इसे उठाकर कहीं छप्पर में लगा दो। यदि तू नहीं मानता तो मैं इसे छप्पर में ही टांग देता हूं। कभी बुरा वक्त आन पड़े तो यह बहुत काम आएगा। ये क्या,
अशर्फी, ठाकुर जी के सिंहासन में सोना। हे प्रभु, मुझ गरीब का न्याय कीजिए, मेरी भक्ति रूपी पूंजी छिन रही है, वो मुझको दिलवा दो, मुझे सोना नहीं चाहिए। हे भगवान, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है जो आप नाराज हो गए हैं? हे दया के सागर, मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर दो, मैं आपका सेवक हूं। माना कि मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन जैसा भी हूं तो आपका भगत, हूं तो आपका भगत। भक्त रविदास, तुम धन्य हो, तुम तो व्यर्थ ही कष्ट पा गए। ये अशर्फियां मेरा प्रसाद जानकर अपना लो। प्रिय भग, बेहिचक इनको काम में ले लो। ठीक है प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। प्रिय, प्रिय, क्या तुमने कुछ देखा? नहीं नाथ, क्या बात हुई? आपने ऐसा क्या देख लिया? आया था, अभी यहीं आया था। आ, क्या अद्भुत विशाल काया थी, जिसका चेहरा अभी तक मेरी आंखों के सामने है। मैंने घनश्याम की सुंदर मनमोहनी सूरत देखी। हाँ हाँ स्वामी, आगे बताओ ना, क्या हुआ, क्या कहा आपको? प्रभु ने कहा, मेरे प्रिय भगत, इन अशर्फियों को बिना घबराए मेरा प्रसाद जानकर अपने कामों में लगा लेना। अब समझी स्वामी, आपने कोई सपना देखा है जिसका ध्यान आपको अब तक आ रहा है? मुझे तो इतना याद है कि भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से अपना रूप दिखाया था और मुझ अभागे दीन को नींद से जगाया था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत संकट में था और भगवान ने आकर मुझे सब संकटों से छुड़ा दिया। अब हमें भगवान के अनुसार चलना चाहिए। प्रिय, ये अशर्फियां साधु सेवा के कामों में लगाएंगे और जो बचेंगी उनको मंदिर में लगाएंगे। जो आज्ञा स्वामी। अच्छा, अब आराम कर लो, थोड़ी देर और सो लेते हैं। इस प्रकार रविदास ने एक मंदिर बनवाया और सत्संग में कीर्तन करने शुरू कर दिए। संत रविदास के प्रवचन सुनने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। एक दिन नगर का सेठ भी संत रविदास के सत्संग में आता है। आगे देखिए क्या हुआ। मेरी प्यारी साध संगत, आप अपना कीमती समय निकालकर यहां आए हो। आज मैं आपको बहुत ही उपयोगी बातें बताने जा रहा हूं कि संसार में जो भी मानव आया है वह केवल मानव ही है, उसकी कोई जाति नहीं है। वह तो केवल प्रभु की संतान है। जब प्रभु की कोई जाति नहीं तो इंसान की जाति क्यों? उसकी जाति तो उसके कर्मों के साथ जुड़ी हुई है। जैसे भी वह कर्म करेगा वही उसकी जाति होगी। पाप तो पाप है। सबसे बड़ा पाप उसे कहते हैं जब एक इंसान
भगवान के बनाए हुए दूसरे मानव को घृणा की नजर से देखता है। इसलिए आप सब मिलकर रहो, सच्ची प्रभु भक्ति यही है कि इंसान इंसान से प्रेम करे। हम सबका कर्तव्य है कि जिस परम पिता परमात्मा ने हमें हीरा सी अनमोल काया दी है, उसके शुक्रगुजार होकर उसका भजन सुमिरन करें, उस प्यारे को याद करें। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, अतः समय का सद उपयोग करके अपने जीवन को हरि भजन से सफल बनाएं। सभी भगत जन चरणामृत लेकर जाएंगे। इनका तना मत, वो भी चमड़े के कटोरे में, मैं तो कभी नहीं पी सकता। अच्छे भगत रविदास के दर्शन करने का अपने कपड़े का भी नाश कर लाया, हे भगवान मुझे माफ करना। ओए होए होए होए, अपना धर्म भ्रष्ट खुद ही कर लिया, मुझे क्या जरूरत थी उस चर्मकार के घर जाने की। बेटी बेटी कहाँ तुम, जल्दी आओ। पिताजी क्या हुआ, आखिर इतना क्यों बड़बड़ा रहे हो? अरे क्या बताऊँ, मैं तो रविदास के दर्शनों को जाकर पछता रहा हूँ। ऐसा वहाँ क्या हो गया पिताजी? मैंने रविदास की भक्ति की बहुत प्रशंसा सुनी थी, मैं भी देखने चला गया। फिर पिताजी? हाँ, रविदास कथा सुना रहे थे। अच्छा, बहुत लोग बैठकर सुन रहे थे। हाँ, मैं भी वहाँ सुनने बैठ गया। फिर क्या हुआ, अच्छी तो कथा सुनाए। अब खुद ये बोलोगी या मैं भी कहूँ? फिर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो पिताजी? वही तो बताऊंगा। कथा समाप्त होते ही एक बड़ा सा कटोरा, वो भी चमड़ा भिगोने वाला कटोरा, उसमें चनावर्त डालकर सबको पिला दिया। अच्छा, मुझे भी दिया, लेकिन मैंने तो सबसे नजर बताकर और मैंने फेंक दिया। उसके कुछ छींटे मेरे वस्त्र पर आन गिरे, मेरे वस्त्र अपवित्र हो गए। परंतु आपने चरणामृत फेंक कर पाप क्यों कमा लिया पिताजी? तू तो पागल है, मैं चमड़े में डला हुआ अशुद्ध जल कैसे पी जाता? जब बाकी सबने पी लिया तो आपको भी पी लेना चाहिए था, गिराना नहीं चाहिए था, क्योंकि भगवान के चरणामृत को ठुकरा कर आपने बहुत बड़ा अनर्थ किया है पिताजी। अच्छा माफ कर, तू तो अपनी आंखती रहती है, तू वहाँ खुद होती और चमड़े के कटोरे में अशुद्ध जल को भगवान का चरणामृत
नहीं मानती। पिताजी, भगवान के नाम का चरणामृत तो किस्मत वालों को मिलता है। अच्छा, मेरा दिमाग खराब ना करे, अपना उपदेश अपने ही पास रख। न्यूगर बेटी तो मेरे पन इनके कपड़े लिया दूसरे, और मैं इनको तार दूसू इन बार जाकर धो दिए। ठीक है पिताजी, जैसी आज्ञा। पिताजी के ख्याल कितने छोटे हैं जो भगवान का चरणामृत ठुकरा कर चले आए। एक भगवान राम थे जो शबरी के झूठे बेर प्रेम से खा गए थे। हे भगवान, कैसी अज्ञानी है मेरे पिताजी। बेटी, हे बेटी, तू कहाँ है बेटी? पानी ला जल्दी, मने प्यास लाग रही है। कुआ प्यासा मई रहा, उल्टी झारी नीर, झारी से सागर भरा, मिट गई भव की पीर। बेटी, तू किसे तो ऐसे बोल रही है और क्यों बोल रही है? उल्टी गत गोपाल की जान सके ना कोई, टीट बरज में होत है मीवा काबुल होए। बेटी, तू के पागल सी होगी? मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या कैसे? बेटी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, आज किसी ज्ञान की बात कह रही है तुम। पिताजी, मुझे ईश्वर का नाम बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब अगम अगोचर सबका करतार और उस स्वामी की कृपा बिना आज तक कोई भी पार नहीं लग पाया है पिताजी। वह अविनाशी पूर्ण ब्रह्म प्राणी मात्र के घट घट में समाया हुआ है, लेकिन सतगुरु के शरण के बिना उसका मिलना दुर्लभ है। अरे बेटी, तू तो पूरी ब्रह्म ज्ञानी हो गई। हाँ पिताजी, आपकी दया से। क्या कहा, मेरी दया से? हाँ पिताजी, आपकी दया से मुझे ज्ञान हुआ है। परंतु मेरी दया कभी मेरे काम नहीं आई, तूने मेरी दया कैसे पाई? आपके कपड़ों से पिताजी। मेरे कपड़ों से? हाँ पिताजी, आपके कुर्ते के पीछे जो दाग था वो उतर ही नहीं रहा था, मैंने उसे अपने दांतों से रगड़कर उतारा था। उस दाग को चुड़ाने से मेरे हृदय में एकदम शील शांति छा गई पिताजी। आपने तो जी भर के अमृत पिया है, ये सब रविदास की भक्ति की महिमा है। मुझे तो सतलोक का ज्ञान हो गया है। ओहो, चला हो गया बेटी, न्यू बात से। ये भगवान, मैं तो लुट गया, मुझे ये कैसी घोर भूल हो गई। यदि मैं वह जल पूरी तौर से पी लेता तो मुझे अपार ज्ञान का भंडार मिल जाता। अब मैं एक पल भी नहीं रुकूंगा, उस रविदास भगत का पानी अवश्य पी कर रहूंगा। Thank you.
राम राम महाराज। नहीं नहीं नहीं, हे महाराज, महाराज मैं नहीं, आप हैं। मैं तो एक मामूली सा चरमकार हूँ। नहीं महाराज, आप महाराज हैं। हे महाराज रविदास, मैं अज्ञानी हूँ, मेरे को माफ करो। मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। मैंने भगवान के भगत का अपमान किया। मैंने आपकी महिमा नहीं जानी, भक्ति को नहीं पहचाना। अपने अहंकार के विषयभूत होकर भगत का अपमान किया और अपना नुकसान कर बैठा। कैसा नुकसान? जो आपने अमृतुल्य पानी दिया था, मैं तो उसे पी नहीं सका। हे महाराज, मुझे वही कुंडी वाला पानी पिलाने की कृपा करें। महाराज, आप बार बार मुझे महाराज कहकर लज्जित न करें। नहीं महाराज, आज मेरी आंखें खुल गई, कृपा करके महाराज वही पानी पिला दो मुझे। अरे पगले, जिस पानी की आस में तू मेरे पास यहाँ लौट के आया है, वह पानी अब हमारे पास नहीं है। अब मैं उस जल को तुझे कहाँ से पिलाऊं? रविदास ने करया स्वागत घर में, आ भगवान गए हाथ जोड़ के, बोल भगत जी वे पानी मुल्तान गए। रविदास ने करया स्वागत घर में, आ भगवान गए हाथ जोड़ के, बोल भगत जी वे पानी मुल्तान। तू हैरान गए हाथ तोड़ के, बोले भगत जी वे पानी मुल्तान गए। रविदास ने करा स्वागत घर में, आ भगवान गए हाथ तोड़ के, बोले भगत जी वे पानी मुल्तान गए। चमड़े का पानी मन में करी गलानी क्यों, तेरे नाम का डंका बाजे पड़ा प्यारे से ज्ञानी क्यों। भगता के घर भगत बता क्यों, भगता के घर भगत बता क्यों, भक्ति ने अजमान गए हाथ तोड़ के, बोले भगत जी वे पानी मुल्तान गए। रविदास ने करया स्वागत घर में, आ भगवान गए हाथ तोड़ के, बोले भगत जी वे पानी मुल्तान गए। Thank you.
पीछे ऊपर नीचे होया शर्म में वास तेरा। हाथ जोड़ के न्यू बोले तुम गुरु बड़े मैं दास तेरा। आगे पीछे ऊपर नीचे होया शर्म में वास तेरा। भक्ति प्रेम बिना प्यारे हाँ भक्ति प्रेम बिना प्यारे फीके ज्ञान और ध्यान गए। हाथ जोड़ के बोला भगत जी वे पानी मुल्तान गए। रविदास ने करया स्वागत घर में आ भगवान गए। हाथ जोड़ के बोला भगत जी वे पानी मुल्तान गए। के पाया मैं रविदास की बाता का तेरे दुख हो रहा सहकाया मैं नैन नीर भर लोटन लागे भगत भगत के पाया मैं। फिर कृष्ण लाल उड़ जा पहुँचे कृष्ण लाल उड़े जा पहुँचे गुरु चंद्र भान गए। हाथ जोड़ के बोला भगत जी वे पानी मुल्तान रविदास ने करा स्वागत घर में आ भगवान गए। हाथ जोड़ के बोला भगत जी वे पानी मुल्तान गए। इस प्रकार रविदास ने सत्संग व कीर्तन करवाने शुरू कर दिए। संत रविदास के प्रवचन सुनने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे, लेकिन उस नगर के ब्राह्मण संत रविदास के विरुद्ध हो गए। रविदास को डराना धमकाना शुरू कर दिया, लेकिन फकीर रविदास के कदम कहाँ डगमगाने वाले थे। वो तो प्रभु के नाम पर हर पल जाप करते, लेकिन ब्राह्मणों को यह गवारा नहीं हुआ। सभी ब्राह्मण एकत्रित होकर राजा के पास गए कि किसी तरह रविदास भक्ति की राह छोड़ दे और अपने चरमकार के धंधे तक ही सीमित रहे। राजा के सामने ये फरियाद रखी, आगे देखिए क्या हुआ। महाराज की दुहाई है, महाराज की दुहाई है, महाराज की दुहाई है। सुनाओ किस बात की दुहाई है। महाराज एक चरमकार ने ठाकुर की पूजा करके हम लोगों की शान घटाई है। यदि रविदास ने हमारा कर्म करना यानी पूजा पाठ करना शुरू कर दिया तो हमारा क्या होगा। महाराज आपके होते हुए तो ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। क्या कहा, मेरे राज्य में और ऐसा घोर अंधेर, आखिर कौन है वो गुस्ताख। जी अन्नदाता वह रविदास चरमकार। क्या कहा, भला चरमकार का ठाकुर की पूजा से क्या काम। उसे तो वेद मंत्रों को बोलने और पढ़ने का भी अधिकार नहीं। जाओ मंत्री जी उसे समझा दो कि वो ऐसा ना करे। जी इतना ही नहीं, वो तो ठाकुर जी के सिंहासन को भी अशुद्ध स्थान पर रखता है, अपने आप में पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी होने का दावा भी करता है। फिर तो उसे मेरे सामने पेश किया जाए और मैं उसकी पूजा पाठ का सारा सामान छीन कर उसे उचित दंड दूंगा। मंत्री जी। जी महाराज। अभी जाकर रविदास को हमारा आदेश सुनाओ और पूजा पाठ के सामान और ठाकुर जी की मूर्ति के साथ अभी बुलाकर लाओ। जो आज्ञा महाराज। अब देखना मैं उसे कैसा दंड देता हूँ। महाराजा धीराज की जय हो। आप ही का नाम रविदास है। जी हाँ महाराज। आप एक मंदिर के पुजारी हैं? जी हाँ महाराज, मैं प्रभु भगत हूँ। प्रभु ने ही मुझे यह कार्य सौंपा है।
प्रभु की आज्ञा से ही उस कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। रविदास, क्या तुम जाति के ब्राह्मण हो? जी नहीं। तो आप मंदिर के पुजारी कैसे बन गए? अब आएगा मजा। अब देखते हैं कैसा भक्त बनता है रविदास। अब इसको जरूर दंड मिलेगा। ब्राह्मणों से टक्कर ले रहा था। इसको पता चलेगा ना अब टक्कर लेने का। तो महाराज, क्या आप मुझे यह बताने का कष्ट करेंगे कि पंडित कौन होता है, ब्राह्मण किसे कहते हैं? यह तो सीधी सी बात है, जो प्राणी ब्राह्मण के घर जन्म ले उसे पंडित अथवा ब्राह्मण कहते हैं। महाराज, आप भूल कर रहे हैं। यदि आप मेरी बात का बुरा ना माने तो मैं आपको बताऊं कि पंडित कौन होता है। बताओ। महाराज, पंडित के घर जन्म लेकर यदि कोई पंडित के कर्म नहीं करता तो उसे पंडित नहीं कहा जा सकता। पंडित वही है जो वेदों का ज्ञाता है, जो उपनिषदों की वाणी बोल सकता है, जो भगवान का उपासक है, जो सत्यवादी है, जो मानव धर्म का पालन करता है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है। फिर आप देखे महाराज, जब भी कोई बालक माँ के पेट से जन्म लेता है तो वह नग्न आता है। उसके माथे पर तो किसी जाति का नाम नहीं लिखा होता। यह जातियां प्रभु ने नहीं बनाई, इन्हें बनाने वाले तो हम मानव हैं। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो कर्म तो कुछ और करते हैं, ज्ञान उनके पास नहीं, वेदों के अर्थ नहीं जानते और अपने आप को पंडित कहते हैं। महाराज, पंडित तो एक ज्ञान का नाम है, प्रभु के भक्तों का नाम है। मेरे गुरुजी ने मुझे यही ज्ञान दिया है। उन्होंने ही मुझे पंडित की पदवी दी है। आज मैं जो कुछ भी हूं बस उन्हीं गुरु और प्रभु की कृपा से हूं। गुरुजी ने कहा था, हरी भजे से हरी होए, जात पात पूछे ना कोई। जाति इंसान के लिए नहीं बल्कि इंसान स्वयं जाति बनाता है, वह भी अपने कर्म से। महाराज, एक आदमी यदि नीच कर्म करता है और उसका जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ है, उसे आप ब्राह्मण कैसे कह देंगे? महाराज, हम तो इतना जानते हैं रविदास ब्राह्मण नहीं। हम ये सहन नहीं कर सकते कि ये चरमकार होके मोक्ष प्राप्ति की राह दिखाए। भाई तुम करो बैरम की बात, ब्राह्मण किसको कहते हैं? भाई तुम करो बैरम की बात, ब्राह्मण किसको कहते हैं? भाई तुम करो बैरम की बात, ब्राह्मण किसको कहते हैं? वो ये किसको कहते हैं? ब्राह्मण किसको कहते हैं? तुम करो ब्राह्मण
पातर का धर्म बताओ, उस पातर का धर्म बताओ। चार पात छह सात ब्राह्मण किसको कहते हैं, भाई तुम करो धर्म की बात, ब्राह्मण किसको कहते हैं, ब्राह्मण किसको कहते हैं, ब्राह्मण किसको कहते हैं, किसने बनाई जात ब्राह्मण किसको कहते हैं, भाई तुम करो धर्म की बात, ब्राह्मण किसको कहते हैं, भाई तुम करो धर्म की बात, ब्राह्मण किसको कहते हैं। हल कर दो तुम मेरे प्रश्न, हल कर दो तुम मेरे प्रश्न, वो पेर को आली लात ब्राह्मण किसको कहते हैं, भाई तुम करो धर्म की बात, किसने लिखे और किसने उतारे, किसने लिखे और किसने उतारे, वो कलम चली दिन रात ब्राह्मण किसको कहते हैं, भाई तुम करो धर्म की बात, ब्राह्मण किसको कहते हैं, भाई तुम करो धर्म की बात, ब्राह्मण किसको कहते हैं। आपस में दूरी, तीन लोक आपस में दूरी, वो तीन लोक आपस में दूरी, तीन लोक आपस में दूरी, वो काल परी भी दाता जरूरी, काल परी भी दाता जरूरी, वो कब्र ने कब्र बात ब्राह्मण किसको कहते हैं, भाई तुम करो धर्म की बात, ब्राह्मण किसको कहते हैं।
सूरत बता दे, क्या मन है क्या सूरत बता दे, ओ नूर आत्मा निरत बता दे, नूर आत्मा निरत बता दे, ओ क्या तुझ में औकात ब्राह्मण किसको कहते हैं, भाई तुम करो ब्रह्म की बात, ब्राह्मण किसको कहते हैं, भाई तुम करो ब्रह्म की बात, हद की हद किसने देखी, अनहद की हद किसने देखी, अनहद की हद किसने देखी, अनहद की हद किसने देखी, बेलक की कुमार सेखी, बेलक की कुमार सेखी, हुई उचाटी गात ब्राह्मण किसको कहते हैं, भाई तुम करो ब्रह्म की बात, ब्राह्मण की करवात ब्राह्मण किसको कहते हैं, भाई तुम करो ब्रह्म की बात, ब्राह्मण किसको कहते हैं, भाई तुम करो ब्रह्म की बात, ब्राह्मण किसको कहते हैं, वो चंद्रवान का शेर खड़ा से, चंद्रवान का शेर खड़ा से, नुकरा का आगा घेर खड़ा से, देखा राजन आपके सामने कैसे कैंची की तरह जुबान चलाता है, इसको जरा सा भी डर नहीं है आपका। रविदास अब यदि तुमने ज्यादा जिह्वा चलाई तो मैं तुम्हारी जीभ कटवा दूंगा और तेरी खाल उतरवा कर तुझे कोल्हू में पिलवा दूंगा। देख यदि तू जान बचाना चाहता है तो अपने ठाकुर जी के सिंहासन को गंगा माता की धार में फेंक दे। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, मुझ गरीब पर दया करो, मुझे लंबे समय से भगवान की लगन लगी हुई है, उसे न तड़वाइए, मुझे जो दंड दोगे मैं हंसकर स्वीकार कर लूंगा, लेकिन लेकिन मेरे भगवान को मुझसे अलग करने की बात ना कहो, चाहे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिला देना, चाहे हाथी के पैरों तले रौंद डालना, अगर आप मेरे को मृत्यु दंड भी दोगे तो मैं उसे हंसकर स्वीकार कर लूंगा, लेकिन लेकिन आपकी ये आज्ञा, लेकिन यह आपकी आज्ञा नहीं मान सकता महाराज, मुझ पर रहम करो, मुझ पर रहम करो। मुझे व्यर्थ की तेरी बकवास नहीं सुननी, मैंने जो हुक्म दिया है उसे टाला नहीं जा सकता, इसलिए या तो मरने के लिए तैयार हो जा या फिर सिंहासन सहित अपने ठाकुर को गंगा में बहा दे। जो आज्ञा अंधाता, मैं अपने ठाकुर जी को आपकी आज्ञा अनुसार गंगा में विसर्जित कर दूंगा, लेकिन लेकिन वासुदेव की जो मूर्ति मेरे मन मंदिर में बसी हुई है उसे आप कैसे निकालोगे। इससे हमें कोई मतलब नहीं, चाहे तुम ठाकुर जी को भूलो या ठाकुर जी तुम्हें भूले। हाँ अन्नदाता, आप सही कह रहे हैं, मेरे ठाकुर जी बहुत कृपालु हैं, वो हर समय अपने भक्तों के साथ रहते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता,
मैं इधर अपने भगवान की माया दिखाता हूँ, वो अपनी भक्ति की शक्ति दिखलाएं। क्या मतलब? महाराज, मैं सिंहासन को तो गंगा माता की निर्मल धार में समर्पित कर देता हूँ। आप विद्वानों को कहो कि वे ठाकुर जी को रिझाएं और मैं अपने ठाकुर जी को रिझाऊं, फिर न्याय स्वयं भगवान ही कर देंगे। जो सच्चा भगत होगा भगवान उसी का मान बढ़ाएंगे। तो तू क्या कहना चाहता है कि जल में डाल देने के बाद वो तेरे बुलाने से आ जाएंगे? हे महाराज, ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे प्रभु के लिए। तुझे पक्का विश्वास है कि तेरी ही पुकार सुनकर आएंगे और किसी और की प्रार्थना नहीं सुनेंगे? तू ये क्या कहना चाहता है? नहीं महाराज, ये मैं कैसे कह सकता हूँ। ठाकुर जी का जो भी भगत होगा उसी की पुकार पर आ जाएंगे। कोई चिंता नहीं महाराज, हम इसकी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। हम अपने भगवान को बुलाएंगे, भगवान हमारे हैं हमारे। तो ठीक है, कल सुबह गंगा के किनारे ही फैसला होगा। हे भगवान, आज इस गरीब रविदास की अरज स्वीकार करना, नहीं तो गरीबों का विश्वास आप पर से उठ जाएगा। हे भगवान, आज आप उन ब्राह्मणों के फल मेवा और मिठाइयों का भोग ग्रहण करके मत चले जाना। मैं यह सब तो नहीं कर सकता, मैं तो सादी खिचड़ी और साग पात का ही भोग लगा सकता हूं। लेकिन प्रभु, आज आप प्रलोभन में मत आ जाना। आज अपने सेवक की लाज रखना प्रभु, अपने सेवक की लाज रखना। हे भगवान, हमारा भोग लगाने अवश्य आना। इस गरीब के पास तो कुछ भी भोग लगाने के लिए नहीं मिलेगा, अतः आप हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करें। ठीक है, आप अपनी अपनी आराधना शुरू करें। जो आज्ञा महाराज। हे प्रभु, तुम तो सब कुछ जानते हो, जानकर अनजान मत हो जाना। कहीं मुझ भगत को गरीब समझकर भूल जाओ। हे भगवान, जिस प्रकार आपने भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई थी, उसी तरह आज इस अपने भगत की लाज बचाना। रविदास, इतनी देर क्यों लगाता है? सोच क्या रहा है? सिंहासन को जल में डाल, वरना। हे प्रभु, आप तो सब देख रहे हैं, मेरी हंसी मत कराना। इस स्थान को जहाँ ये खड़ा है गंगा जल डालकर पवित्र कर दो। अब हम अपना भ्रम तेज दिखलाएंगे। अब देखना, मंत्रों द्वारा
अपने भगवान को कैसे बुलाते हैं? प्रभु आओ, प्रभु आओ, आज हमारी लाज रखो। प्रभु आओ, प्रभु आओ, प्रभु हमारी लाज रखो। आओ प्रभु, आओ प्रभु, प्रभु प्रभु, तुम कहाँ हो प्रभु? प्रभु 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 प्रभु। क्या हुआ विद्वानों, बुलाओ बुलाओ। महाराज, इसमें हैरानी की क्या बात है? ठाकुर जी का सिंहासन वजनदार है, भला ये ऊपर कैसे आ सकता है? भगवान को तो विद्वान और ब्राह्मण ही मंत्रोच्चारण द्वारा बुला सकते हैं, बाकी कोई भी भगवान को नहीं बुला सकता। नहीं बुला सकता महाराज, नहीं बुला सकता। क्यों रविदास, तुम्हारा क्या विचार है? हे महाराज, ये आपका सेवक मुख से जो भी शब्द कहता है उसे पूरा करने के लिए हर समय तैयार रहता है। हाँ तो रविदास, फिर देरी किस बात की, तुम ही बुला लो। अब आइए मधुसूदन गिरधारी। हे मेरे कृष्ण मुरारी, हे दुष्टों का संहार करने वाले ब्रज के बाके बिहारी, आइए। हे दीनानाथ, हे दीनानाथ कृपालु, दया के सागर, हाथ में सुदर्शन चक्र धर के आइए। आइए प्रभु, आइए, अपने परम भगत की लाज बचाने के लिए आइए। आइए प्रभु, हे प्रभु, आप तो भक्तों के दीनानाथ हो, फिर आइए ना प्रभु, आइए ना, जल्दी आइए प्रभु, मुझको अपना सेवक जानकर जल्दी आइए प्रभु, जल्दी आइए। हे प्रभु, अपने इस गरीब भगत का मान रखने के लिए आ जाओ, आ जाओ प्रभु, जल्दी आओ प्रभु, जल्दी आओ, अपने दर्शन जल्दी दो, जल्दी आओ प्रभु। भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, बाके बिहारी की जय, संत रविदास की जय, संत रविदास की जय, भक्त रविदास की जय, भक्त रविदास की जय, भक्त रविदास की जय। हे संत जी, आप ही जीते, आप ही ज्ञानी हैं, आप ही सच्चे प्रभु भगत हैं। आपने ठीक ही कहा था कि ब्राह्मण पैदा नहीं होते बल्कि कर्म से बनते हैं। जो प्रभु का भगत है वही पंडित है। तुम सब लोग सच्चे भगत को देखकर जलते हो। प्रभु के भगत किसी को देखकर जलते नहीं बल्कि प्रेम करते हैं। हे विद्वानों, मैं जो भी हूं प्रभु का भगत हूं। आप यह भी जानते हैं कि प्रभु भगत का किसी जाति विशेष से संबंध नहीं होता। हरि भगत तो हरि भगत होता है। जब हरि की कोई जाति नहीं तो उसके भगत के साथ जाति क्यों जोड़ते हो? यही तो आपकी अज्ञानता है।
समझ बन व्यपर थारी गलती हरी तो सबका प्यारा संग समझ बन व्यपर थारी गलती हरी तो सबका प्यारा संग समझ बन व्यपर थारी गलती हरी तो सबका प्यारा संग हरी तो सबका प्यारा संग हरी तो सबका प्यारा संग समझ बन व्यपर थारी गलती हरी तो सबका प्यारा माटी के सब है पांडे क्या मूला क्या पंडित पांडे क्या मूला क्या पंडित पांडे खंड की धार सभी पचलती सभी का एक सवारा है खंड की धार सभी पचलती सभी का एक सवारा है समझ बिन विपर थारी गलती हरी तो सबका प्यारा एक जरूरत सब है एक माटी की मूरत सब है एक माटी की मूरत सूरत बेशक नहीं मिलती पता कौन सा अंग नारा से सूरत बेशक नहीं मिलती पता कौन सा अंग नारा से समझ बिन व्यपर थारी गलती हरी तो सबका प्यारा से सबका प्यारा से समझ बिन व्यपर थारी गलती हरी तो सबका प्यारा से कर्म कहानी सबकी है चुकती कर्म कहानी सबकी चुकती बदन बिना मुक्ति ना मिलती टिकट कौन सा कटवारा से बदन बन मुक्ति नहीं मिलती टिकट कौन सा कटवारा से समझ बन विपर थारी गलती हरी तो सबका प्यारा से हरी तो सबका प्यारा से हरी तो सबका प्यारा से समझ बिन व्यपर थारी गलती हरी तो सबका प्यारा से बात पूछे ना कोए दात बात पूछे ना कोए हरी भजे तो हर का होए हरी भजे तो हर का होए रोए तो मौत नहीं टरती वरण कुल नहीं बेचारा है रोए तो मौत नहीं टरती वरण कुल नहीं बेचारा
जग पर थारी गलती हरी तो सबका प्यारा से हरी तो सबका प्यारा से हरी तो सबका प्यारा से समझ जग पर थारी गलती हरी तो सबका प्यारा से कृष्ण लाल गुरु की माया कृष्ण लाल गुरु की माया जा गंगा में गोता लाया जा गंगा में गोता लाया माया सदा रहे छलती इसका तो कुण बाबारा है माया सदा रहे छलती इसका तो कुण बाबारा